पानी है ये। नमस्कार, वॉइस ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के महसौल क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर बिहार वतन विकास संगठन की एक टीम आई है जो पूरे सीतामढ़ी जिला में घूमकर मुस्लिमों को जागरूक कर रही है। मैं आपको बताऊं कि वतन विकास संगठन का ये मकसद है कि पूरे बिहार में घूमकर जो मुसलमान तबका है या फिर कह लें कि जो अल्पसंख्यक तबका है जो मुस्लिम जातियों में है, उनके लिए वतन विकास संगठन पूरे बिहार में घूम घूम कर रिजर्वेशन मांग रही है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस संगठन का नीतीश कुमार नीतीश सरकार से ये अनुरोध है या फिर ये कैंपेन चला रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू बिरादरी के फॉरवर्ड क्लास के उपजातियों को बैकवर्ड बना करके ओबीसी वन में शामिल किया गया है, इसी तरीके से मुसलमानों के शेख और पठान बिरादरियों को भी ओबीसी वन में शामिल करें और मुस्लिम पसमानदा जो लोग ओबीसी वन में हैं उनको दलित और महादलित के लेवल में एक कमेटी बना करके उन्हें उस तरह का दर्जा दे ताकि मुस्लिम शैक्षणिक तौर पे या फिर आर्थिक तौर पे या जो उनका विकास है उस विकास में वो पिछड़ न जाए। यहाँ पर वतन विकास संगठन जो है इसके अध्यक्ष और पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब अंजारुल हक सहारा साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने ये जो कैंपेन है ये पूरे बिहार में चला रखा है और वतन विकास संगठन का कहना है कि ये 2016 से काम कर रहे हैं और लगभग बिहार के 8 से 10 जिलों में इन्होंने पूरे तरह से अपने संगठन खड़े कर लिए हैं। और सारी की सारी संगठनें ये कहती हैं कि हम किसी भी जात धर्म या पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ करके मिल्ली तौर पे मुसलमानों का हक, मुसलमानों के मुद्दों के लिए, मुसलमानों के नौकरी के लिए और मुसलमानों को आरक्षण का हिस्सा बनने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। चूँकि इनका ये भी कहना है कि झारखंड सरकार ने, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने भी मुस्लिम की जो बड़ी जातियाँ हैं शेख पठान को ओबीसी वन में कर दिया, बैकवर्ड करके उस तरह की सहूलतें दे रही है, ममता सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रहा है, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं। आइए हम चलते हैं हाईकोर्ट के वकील जफर साहब के पास में। क्या मुद्दे हैं आपके सर और क्या पर्पस है? देखिए, हमारी बिहार सरकार ने हिंदू फॉरवर्ड की जातियों के उपजातियों को, जैसे गोस्वामी, सन्यासी, गिरी, इस मिला के कुल 11-12 उपजातियों को ब्राह्मिन्स के बैकवर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया और बैकवर्ड से अत्यंत बैकवर्ड में इस साल ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि उन्होंने मुस्लिम फॉरवर्ड को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मुस्लिम फॉरवर्ड के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उसी तरह से मुस्लिम गरीब जो हैं उनकी जो आज के डेट में जो NH-1 में जो जातियाँ हैं वो केवल अत्यंत पिछड़े वर्ग में हैं, उनको उनके लिए हमारी मांग है कि उनका एक नया वर्ग बना करके आप उनको वो सुविधाएं दें जो सुविधा आप दलित महादलितों को दे रहे हैं। इसलिए कि नया वर्ग का गठन बिहार सरकार की कंट्रोल में है, बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार में है। बिहार सरकार ने दलितों में से महादलित एक नया वर्ग बनाया, उसी तरह से हमारा कहना है कि मुस्लिम गरीब जातियाँ जो हैं उनका भी एक नया वर्ग बनाकर उनको महादलित वाली सुविधा दी जाए। ये काम बिहार सरकार के कंट्रोल में है। हम आरक्षण की मांग बिल्कुल नहीं करते हैं, हम अपने तमाम जातियों के लिए उचित वर्गीकरण की मांग करते हैं कि हमको उन वर्गों में शामिल कर दिया जाए जहां से कि हमको सुविधा मिल सके। आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है, लेकिन इस आधार पर कि कोई किसी वर्ग में शामिल है तो वहां उसको सहूलत मिलती है। इसलिए हम लोग बिहार सरकार से यह मांग करते हैं। बिहार सरकार से हम लोगों की अगली मांग इस पॉइंट पर है कि पिछले सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि बिहार में जितनी भी बहाली होती है, जितनी भी नौकरियां दी जाती हैं, जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं, जितने भी सिलेक्शंस होते हैं, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ दिया जाता है, 1% भी मुसलमानों को बहाल नहीं किया जाता है। इसलिए हमारा कहना है कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो आबादी बिहार में है, आबादी के अनुपात में उनको हर नौकरी में, हर बहाली में, हर नॉमिनेशन में उनको हिस्सेदारी दी जाए। यही क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है जो मुस्लिमों से दम भरती है या फिर मुस्लिमों का वोट लेकर काम करती है, क्या वो नज़रअंदाज कर रहे हैं इन मुद्दों को? बिल्कुल नज़रअंदाज करती हैं। हमारे लालू जी ने भी नज़रअंदाज किया, बस उनका ये कहना था कि हम मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करते हैं तो नौकरी देने की या उनका विकास करने की क्या ज़रूरत है। उसी तरह से नीतीश कुमार भी इसी लाइन पर चल रहे हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन उन्होंने भी मुसलमानों का कोई भला नहीं किया। जबकि भाजपा प्रदेश जो है, भाजपा शासित प्रदेश झारखंड है, रघुवर सरकार है वहाँ पे,
आप वो तो हम समझते हैं कि ज्यादा बेहतर सरकार है कि उसने मुसलमानों को बगैर ज्यादा डिमांड के उसने वो कर दिया कि जो बाकी सरकार नहीं कर रही है, जैसे उन्होंने मुस्लिम शेख और पठान को NH7 में खुद से ट्रांसफर कर दिया, और जो मुस्लिम गरीब जातियां हैं उनको भी वो महादलित वाले के बराबर वाली सुविधा दे रहे हैं, जबकि पता नहीं क्यों हमारी बिहार सरकार नहीं दे रही है, जबकि यह मांग हम लोग पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं कि भाई आप जो ट्रीटमेंट अपने हिंदू समाज के साथ करते हैं वो मुस्लिम समाज के साथ भी कीजिए, यही हमारा कहना है। क्या है, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे आप? जी, हम सैयदुल जफर अंसारी वतन विकास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सरकार जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, सरकार जो हमारे साथ बेरुखी अपना रही है, सरकार जो हमारी अपनी हमारी हकमारी कर रही है, और तो ये सब मुद्दे के लेकर करके हम लोग अपने गांव-गांव में जाकर करके अपने भाइयों को ये कहते हैं कि भाई सिर्फ वोटे आप ले देते रहोगे और सरकार अपने आपके वोट पर सरकार बनाते रहेगी, सरकार चलती रहेगी, लेकिन हमारी नाइंसाफ़ी ये सरकार कब तक करेगी? तो हमारा ये कहना है कि ये सरकार हमारे आज के डेट में जो NH1 के मुसलमान हैं, NH1 के जो मुसलमान हैं उनका एक वर्गीकरण कर करके महादलित वाली फैसिलिटी वो मुहैया करें, ये नाइंसाफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त है, और हमारे साथ ये भेदभाव जो कर रहे हैं वो भेदभाव को ख़त्म करें, यही हमारा विकास का दरवाज़ा है, यही उनसे हम विकास भी चाह रहे हैं। और जो हमारे जो उप जाते हैं, जैसे मतलब उन्होंने हिंदू फॉरवर्ड को बैकवर्ड में ट्रांसफ़र किया है, फिर बैकवर्ड से अत्यंत बैकवर्ड में ट्रांसफ़र किया है, उसी तरह हमारे मुस्लिम मतलब मुस्लिम फॉरवर्ड में जो शेख हैं पठान हैं उनको भी अत्यंत बैकवर्ड में ट्रांसफ़र कर करके NH1 वाली उनको फैसिलिटी मुहैया करें। और ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी आप सरकार में हैं तो आप रहिए, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कीजिए, हमारा इंसाफ कर दीजिए आप। क्या है, किस तरह से देखते हैं आप लोग? सीतामढ़ी के लोकल हैं, यहाँ पर बहुत दिनों से राजनेताओं के साथ में साथ देते हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, मुस्लिम वोट को पोलराइज कराते हैं, क्या लगता है आपको? ना हमको सोना चाहिए न चांदी चाहिए, हमको हक चाहिए जी, हक चाहिए, हक के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, हक के लिए लड़ेंगे, हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, यही मेरा विकास संगठन के साथ है, सदस्य है हम उनका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वतन विकास संगठन यहाँ पर अपने मोर्चे को लेकर के सीतामढ़ी के कस्बों में, सीतामढ़ी के गांव में 273 पंचायतों में घूम रही है। पिछले 2-4 दिनों से वतन विकास संगठन और उसके कार्यकर्ता सीतामढ़ी के चप्पे चप्पे में घूम करके मुसलमानों को जागरूक कर रही है, मुसलमानों के अंदर जोश पैदा कर रही है कि साहब आपके पास कोई भी पार्टी आता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है तो आप उससे अपने आरक्षण की बात करो, अपने नौकरी की बात करो, अपने रोजी और रोजगारों की बात करो। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के वतन विकास संगठन सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी की हर खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ सीतामढ़ी विद सलमान सागर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। थैंक यू।